अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ आमिर शहन। वेलकम टू साइबर एजुकेशन XHTML ट्यूटोरियल नंबर 9। इस ट्यूटोरियल में हम प्री फॉर्मेटेड टैग पढ़ेंगे। प्री फॉर्मेटेड टैग में क्या होता है, जिस फॉर्मेट में आप कोई चीज़ लिखते हो या जिस फॉर्मेट में आप कंटेंट्स लिखते हो, वही उसी फॉर्मेट में वो कंटेंट्स पेज पर डिस्प्ले होते हैं। जैसे कि देखें, हमने यहाँ एक पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ लाइन दी हुई है जो कि टेक्स्ट एडिटर पे दो लाइंस पे आ रही है। आइए इसको चेक करते हैं। ये देखिए कि यहाँ ऑलमोस्ट मेरे पेज पे टेक्स्ट एडिटर पे ऑलमोस्ट दो लाइंस पे ये मैंने लिखा है, जबकि ये डेढ़ लाइन या वन एंड हाफ लाइन से भी बहुत कम कंटेंट्स पेज पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कंटेंट्स जिस फॉर्मेट, जिस फॉन्ट साइज या जिस फॉन्ट स्टाइल पे, जिस स्टाइल से हमने ये टेक्स्ट एडिटर पर लिखा है, उसी स्टाइल से डिस्प्ले हो हमारे पेज पे, तो उसके लिए हम प्री की टैग यूज़ करेंगे, PRE। टैग क्लोज, कंट्रोल एस सेव। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए, जिस फॉर्मेट में मैंने टेक्स्ट एडिटर पे कंटेंट्स दिए, उसी फॉर्मेट पे ये पेज पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब थोड़ी चेंज करते हैं, यहाँ पे हम दो बार टैब स्पेस लगाते हैं, कंट्रोल एस सेव, रिफ्रेश। देखिए उसी तरह आ रहे हैं। इसके अलावा हम हॉरिजॉन्टल रूल समझेंगे। हॉरिजॉन्टल रूल में क्या होता है, हम कंटेंट्स के बीच में या पेज पे हॉरिजॉन्टल रूल की मदद से लाइन डिस्प्ले करवाते हैं। देखिए HR, और जो है ना हम स्लैश लगाएंगे, HR/close, कंट्रोल एस सेव, रिफ्रेश। देखिए ये लाइन आ गई। इसको हम अगर पैराग्राफ की एंड पे लगाना चाहें तो इसको कॉपी करेंगे और जो है ना इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, रिफ्रेश करें। देखिए हमने दूसरी भी हॉरिजॉन्टल रूल यानी लाइन लगा दी। याद रखिए कि हॉरिजॉन्टल रूल में सिंगल टैग यूज़ होती है, HR और स्लैश। अगर हम इसको प्री फॉर्मेटेड टैग को रिमूव करेंगे तो देखिए किस तरह डिस्प्ले हो रही है। देखिए जी, आई थिंक इट्स इनफ टुडे, फॉर नाउ, नॉट टुडे, फॉर नाउ। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।